तो यहां पर देखिए, मतलब कि आपको बताने वाला हूँ 40/40 मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं सीबीएसई के टर्म वन एग्जामिनेशन में। स्नेहा ध्यान दीजिएगा और भाई अपने त्रिपाठी जी ध्यान दीजिएगा। तो भैया सबसे पहला सवाल आखिरी दिनों में बच्चों का सबसे पहला तो ये बनता है कि पर चैप्टर कितने मिनिमम क्वेश्चन मेरे को तैयार करके जाने चाहिए। तो भाई देखो, अगर आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है और आपकी भी अगर तैयारी अच्छी चल रही है तो पर चैप्टर आप 100 क्वेश्चन कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटरमेंट का काम करेगा। ये पर चैप्टर 100 क्वेश्चन, मतलब लाइट के चैप्टर में 100 क्वेश्चन। अब इन 100 क्वेश्चनों में आपका एमसीक्यूज इंक्लूडेड होंगे, एसर्शन रीजनिंग टाइप इंक्लूडेड होंगे, केस स्टडी बेस्ड टाइप क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट हमारा ये रहेगा, क्या रहेगा सेकंड पॉइंट, कि ट्राई करिए हर सब्जेक्ट के कम से कम नहीं तो 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर कर जाइएगा, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट के कम से कम नहीं तो कितने सैंपल क्वेश्चन पेपर करके जाइएगा बेटा, 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। तीसरा पॉइंट ये रहेगा, ये बहुत, जो मैंने फर्स्ट 2 पॉइंट्स बताए ये एग्जैक्ट पॉइंट्स है 40/40 मार्क्स लाने के, कि पर चैप्टर 100 क्वेश्चन और पर सब्जेक्ट 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर, मोर देन एनफ हो जाएगा। इसके अलावा तो मैं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। तीसरा पॉइंट होगा, ट्राई करो कि कंप्लीट करो और जस्ट एनसीईआरटी को रिवाइज कर लो खुद के नोट्स से, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद और एक प्लस पॉइंट वहां पर काम करेगा। अच्छा, एक पॉइंट मैंने आपको बताया, चौथा पॉइंट, एक भी फालतू का पॉइंट नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट्स है जो कि आपके काम आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि कम से कम 3 एग्जाम अपने घर पर बैठ के दीजिए हर एक सब्जेक्ट की। सपोज 30th को हमारा एसएसटी का एग्जामिनेशन है, तो आज आप एक पेपर दे के देखो, खुद को 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन दे के देखो। जैसे सीबीएसई ने अपनी प्रॉपर सैंपल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में गाइडलाइंस दी है, उस हिसाब से घर बैठ के 3 एग्जाम प्रिपेयर करके देखो, 3 एग्जाम देकर देखो अपने घरों में बैठ के पर सब्जेक्ट एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई टर्म 1 ऑफिशियली सैंपल क्वेश्चन पेपर, है ना। और पांचवा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव रहो, स्टे पॉजिटिव, रिलैक्स करो, इतना हवा मत मचाओ, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो एग्जामिनेशन का, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन का स्ट्रेस लोगे तो वो स्ट्रेस आपकी सारी प्रिपरेशन, सारा स्ट्रैटेजी, सारी प्लानिंग्स को तहस नहस कर देगा और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की बैंड बजा डालेगा। तो ये 5 पॉइंट्स थे, एग्जैक्ट 5 पॉइंट्स जो कि बिना टाइम वेस्ट के आप सभी बच्चों को मैंने बताए, ठीक है भैया, क्लियर है, जल्दी बताइए।